उत्तर प्रदेश में बीते दिनों तीनों सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट ने समाजवादी पार्टी में नई ऊर्जा भर दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रिजल्ट आने के बाद से काफी एक्टिव दिख रहे हैं। हालांकि अभी यूपी निकाय चुनाव होने वाला है, ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर हर पार्टी लोकसभा इलेक्शंस 2024 की तैयारी में लग गई है। बीते दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो अखिलेश यादव मिशन 2024 पर खास ध्यान दे रहे हैं। सपा प्रमुख ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसका असर भी देखा जा सकता है। सबसे पहले बात लोकसभा में पार्टी के नेता को नियुक्त करने के मामले पर ध्यान दिया गया। ये जिम्मेदारी पहले मुलायम सिंह यादव के पास थी, लेकिन बीते दिनों मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन को जिम्मेदारी दी गई। एसटी हसन मुस्लिम होने के साथ ही पश्चिमी यूपी से आते हैं। ये वही इलाका है जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। वहीं बीएसपी और बीजेपी के मुस्लिम कार्ड को देखते हुए सपा के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव का दूसरा बड़ा फैसला चाचा शिवपाल यादव को लेकर रहा। मैनपुरी में जीत के बाद प्रसपा का सपा में विलय हुआ। हालांकि अभी तक उनका रोल तय नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा प्रमुख उन्हें संगठन का काम दे सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात लोकसभा चुनाव से पहले सपा गठबंधन में संतुलन बनाना। इस उपचुनाव में सपा गठबंधन एकजुट नजर आया, जबकि ऐसे रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के वक्त नहीं था। वहीं गठबंधन को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के रूप में नया साथी मिल गया है। इसके बाद आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी और खतौली से विधायक चुने गए मदन भैया ने चंद्रशेखर से मुलाकात की। अगर चंद्रशेखर सपा गठबंधन के साथ रहते हैं तो दलित वोटर्स को जोड़ने में अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं।